Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Panda. I got broads in Atlanta, since the dog in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band, legacy. मेरे पापा ने अपने दोस्त से एक यॉट ली है, उससे हम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाएंगे और फिर क्यूशू पहुंचेंगे। ये पूरे एक हफ्ते का ट्रिप है। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं एक स्ट्रॉन्ग सी बॉय बन चुका होऊंगा। दिखने में भी मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी स्किन का रंग पूरी तरह बदल चुका होगा। क्या तुम हमें भी अपने साथ ले जा सकते हो? सुनियो, माफ करना, उसमें तुम नहीं जा सकते क्योंकि उसमें सिर्फ 3 लोगों के बैठने की जगह है। जियान, तो फिर इस बारे में बात करना बंद कर दो। सुनियो, समझे तुम? जाओ यहाँ से, मेरे सामने से हट जाओ। अब मैं तुमसे एक हफ्ते के बाद मिलूंगा और बताऊंगा कि मैंने वहाँ पर क्या क्या मस्ती की। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, समझे ना? अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बहुत मजा आएगा, बाय दोस्तों। सुनियो अपने आप को बहुत समझता है। देखना, जब सुनियो वापस आएगा ना तो हमारे सामने खूब दिखावा करेगा। काश हम लोग भी उसके साथ वहाँ जा सकते। एक हफ्ते का यॉट ट्रिप, उसमें तो बहुत मजा आएगा। मुझे मॉम से बात करनी ही होगी। ठीक है, तो मैं हिम्मत करके मॉम से बात जरूर करूँगा। आ गए? सुनिए मॉम। हाँ, क्या बात है? तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो गए हो नोबिता? कोई बात है तो बताओ। नहीं मॉम, मैं तो बस ऐसे ही। ये बात करने का सही वक्त नहीं है। कैसी बात करने का? कुछ नहीं। अजीब लड़का है। बोलने का, मुझे भूल जाना चाहिए, बस भूल जाना। अरे लेकिन बात क्या है नोबिता? छोड़ो ना डोरेमोन, जो मुमकिन ही नहीं उसे बोलकर क्या फायदा। बताओ तो हुआ क्या है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्या सच में? हाँ, दरअसल बात यह है कि तो ये बात है, एक हफ्ते का यॉट ट्रिप, उस ट्रिप में तो बहुत मजा आएगा ना नोबिता। तुम्हें भी ऐसा लगता है? इसका मतलब तुम मेरी मदद कर रहे हो। हाँ हाँ कर रहा हूँ। जियान और शिजुका को भी ले आना। क्या, मैं जियान और शिजुका को भी ट्रिप पर लेकर जा रहा हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या सच में? ठीक है, तो फिर चलते हैं। अरे रुको नोबिता, हाँ? अभी बहुत देर हो गई है, कल सुबह काम शुरू करेंगे, तब तक तुम अपना होमवर्क कर लो। तो फिर ठीक है। अच्छा ये तो बता दो कि हम जाएंगे किसमें? वो तो मैं तुम्हें समुद्र पर पहुँच कर ही दिखाऊंगा। डोरेमोन, मुझे तो लगा था कि तुम कोई फ्यूचर की यॉट दिखाओगे। तुम चिंता मत करो नोबिता, मेरे पास उससे भी मजेदार यॉट है, उसमें बहुत मजा आएगा। सच में ना? अगर ये बात सच नहीं तो जियान मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ सच, अगर हमारे साथ वहाँ डोरेमोन भी होगा तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। वो दरअसल बात ये है कि यॉट वो सी में जाकर ही ढूंढेगा। क्या कहा? तुम्हें पता है ना, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ठीक है जियान, जैसा तुम कहो। ठीक है, मैं चलूँगा। जियान भी हम लोगों के साथ चलेगा, ठीक है ना डोरेमोन? हाँ ठीक है, चलो अभी सो जाते हैं। हाँ यॉट भी तो ढूंढनी है। नोबिता, नोबिता, नोबिता उठ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे, जल्दी से उठ जाओ। क्या कहा, अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं ना। कहीं तुम भूल तो नहीं रहे, हमें यॉट ट्रिप पर जाना है, उठ जाओ। अरे हाँ हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा नोबिता, जरा ये बताओ कि ये चीजें ट्रिप के लिए काफी रहेंगी? खाना, कॉमिक्स और गेम्स, ये काफी रहेगा ना? बहुत बढ़िया। अगर कुछ कम पड़ेगा तो मैं अपनी पॉकेट से निकाल लूंगा। जरा इसे पकड़ना नोबिता। चलो चले। हमने
प्लेस के बारे में मोमो डैड को तो बताया ही नहीं। जब हम वापस आएंगे तो टाइम मशीन से वापस इसी समय में आ जाएंगे। तुम ठीक कहते हो। अरे वो दोनों वहाँ है। हाँ, शिज़ुका। हे नोबिता, ये ट्रिप सच में योर ट्रिप ही है ना, बताओ। अरे जियान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एक बार चलो फिर सब पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से सिर्फ उड़ना ही हमारी ट्रिप का मकसद नहीं था। मैं जानता हूँ जियान। तुम्हें क्या लगता है, यॉट बस ऐसे ही तैर रही है? नहीं नहीं, ये रेस है। वाह, यॉट रेस। पर ये सब तो भरी हुई है। क्या तुम्हें लगता है कोई अपनी यॉट सी में ही भूल गया होगा? हम सीशोर से कितनी दूर आए हैं? तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ। एरो डिटेक्टिव मशीन। ये क्या है डोरेमोन? हम इस डायल को उस चीज पर रख देंगे जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और ये गैजेट उस चीज को आसानी से ढूंढ देगा। डोरेमोन, ये तो तुम्हें कोई भी आसानी से बता देगा, यहाँ कोई यॉट नहीं है, समझे ना? शांत हो जाओ, मैं अभी देखता हूँ। ये तो एक फिश है। ये तो डॉल्फिन है। ठीक कहती हो। Hey, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम इस डॉल्फिन पर बैठकर एक हफ्ते की ट्रिप पूरी करेंगे? डोरेमोन, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? रुको नोबिता, अभी कुछ करता हूँ। स्टिकी बोट। हाँ, ये वक्त अपने टॉय से खेलने का नहीं है डोरेमोन। देखो, अच्छी तरह से उस पर चिपक गई है, जल्दी चलो। हाँ? चलो अब इस पर चढ़ जाओ। लेकिन ये तो बताओ, इतनी छोटी सी चीज पर हम चढ़ कैसे सकते हैं? मैं बताता हूँ जियान। हाँ? ये तो छोटा हो रहा है। चलो तुम लोग भी आ जाओ, जल्दी करो। ठीक है। अब बताओ ये कैसी लगी? ये तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल असली यॉच की तरह है ना? तुम ये सब हमें पहले भी तो बता सकते थे ना डोरेमोन। अगर मैं पहले बताता तो तुम लोगों को समझ ही नहीं आता। चलो चलकर अपना सारा सामान इसके अंदर रख दो। ठीक है। अरे वाह, ये रूम तो काफी बड़ा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मैजिक स्पेस है। क्या यहाँ शार्क भी है? हाँ हाँ शिज़ुका, यहाँ शार्क भी है। बहुत बढ़िया। की और तक पहुंचने वाले हैं, पर वो है किधर? इस बार ध्यान से सुनना, जोर से रस्सी को पकड़ना फिर खींचना। इसे चलाना कितना मुश्किल होता है, मैंने सोचा भी नहीं था। सुनियो, जोर से पकड़ो रस्सी को। अच्छा। ये सब कितना मजेदार है ना? अच्छा हुआ मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर आई। ये सब बहुत मजेदार है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। बच्चे, क्या ये यॉट पानी में ठीक रहेगी? जल्दी बोलो ना डोरेमोन। हाँ हाँ ठीक रहेगी, चलो बाहर का नजारा देखें। हाँ? इसे तो सबमरीन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सही कहा, ये कमाल का है। पता है मैं इसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। कंट्रोल भी कर सकते हैं? आओ दिखाता हूँ। ये कैप्टन का रूम है। तुमने ये कैप क्यों लगाई है डोरेमोन? ये कैप तो स्टाइल के लिए है नोबिता। इस व्हील से मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, अब बस स्विच को दबाना है। अरे और फिर क्या होगा? हाँ
स्विच को दबाएंगे तो ये डॉल्फिन खाना खा पाएगी नोबिता। हाँ। मैंने खाने के लिए डेस्टिनेशन को सेट कर दिया है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसे अपने आप खाना मिलता जाएगा नोबिता, और इसे इधर उधर खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो शुरू करें। अरे पानी के अंदर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डॉल्फिन बाहर भी जाए। ये ज्यादा वक्त तक अंदर नहीं रह सकती, ये थोड़ी थोड़ी देर में सांस लेने के लिए बाहर भी जाएगी। शिजुका, उस समय हम स्विमिंग कर लेंगे। ठीक है। नोबिता तुम्हें तैरना आता है? फ्लोटर इस्तेमाल करूँगा। नोबिता ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है। तो क्या हुआ जियान? अरे दोस्तों ये आवाज़ कैसी? ये तो डॉल्फिन की आवाज़ है। डॉल्फिन काफी दुखी लग रही है ना? मुझे लगता है डॉल्फिन हमसे परेशान है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम डॉल्फिन के ऊपर नहीं रह पाते। बाहर निकलेगी। आ जाओ। वन टू थ्री फोर। सुनो डोरेमोन, जब हम पानी के अंदर जाएंगे तब भी हम ऐसे छोटे होंगे। जब तुम इस यॉट पर से उतरोगे तो तुम बड़े हो जाओगे नोबिता। हाँ, मैं फिर से बड़ा हो गया। नोबिता इस तरफ आओ। हाँ शिजुका, अभी आया। नोबिता मुझे ये बताओ कि तुम फ्लोटर के बिना तैरना कब सीखोगे? कोई बात नहीं, अब बस भी करो जियान। नोबिता तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ उदास मत हो। फ्लोटिंग क्रीम। अगर मैं इसे लगा लूं तो क्या होगा? अभी देखना। दीदी मत करो, दीदी मत करो, मत करो, मत करो। तो देखा तुमने, तुम पानी के ऊपर बैठे हो। अरे ये तो कमाल हो गया। तैरने में कितना मजा आता है ना जियान। मुझे तो उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो तैर नहीं सकते। पानी के ऊपर चलने का तो मजा ही कुछ और है। देख मैं भी ये करूंगा। मैं सबके पैरों में लगा देता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? इतना अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरी नाक तुम्हारा खाना नहीं है, समझी? हाँ ये तो यॉट है। अरे शायद वो सुनियो की यॉट है। हे, चलो छुप के उसकी यॉट देखते हैं। चलो देखते हैं। मैं तो यहीं डॉल्फिन के साथ रहूंगी। ए, सुनियो। आया, कितना काम करवाते हैं पापा। मैं थक चुका हूँ, मुझसे और पानी नहीं फेंका जाएगा। देखो अगर तुम ये पानी नहीं फेंकोगे तो यॉट डूब जाएगी, समझे? अगर आप अच्छी वाली यॉट लेकर आए होते तो हमें परेशानी नहीं होती। जितना कहा उतना करो। जैसे मत बोलो, पानी फेंक दे रहो। अच्छा हुआ मेरी ये हालत देखने के लिए जियान, नोबिता और डोरेमोन यहाँ नहीं है। सुनियो तो मुश्किल में लगता है, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। लेकिन डोरेमोन हमसे वापस मिलने पर ये दिखावा ही करेगा। जल्दी करो। आता हूँ, बुरी हालत कर रखी है। हाँ
कितना शांत लग रहा है यहाँ पर। देखो आसमान में तारे कितने प्यारे लग रहे हैं ना। टूटता हुआ तारा, ये ट्रिप तो बहुत मजेदार है ना। पता नहीं सुनियो भी ये नजारा देख पा रहा होगा या नहीं। हाँ हो सकता है। अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर हमें फिर से पानी फेंकना होगा। मैं थक चुका हूँ, मुझे घर जाना है। मैंने सोचा था कि ट्रिप पर बहुत मजा आएगा, हम बहुत एंजॉय करेंगे, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। अरे क्या हुआ, ये कैसी आवाज है? ये तो डॉल्फिन की आवाज है। मुझे तो लगता है ये डॉल्फिन हमें कुछ बताना चाहती है। हाँ? दोस्तों, पर बताना क्या चाहती है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। चलो हम डॉल्फिन के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। हाँ? ये तो डॉल्फिन का ग्रुप है। ये अपने ग्रुप से अलग हो गई है। जब ये अपने ग्रुप को ढूंढ रही थी तब उसी समय हमने इसे अपना यॉट बना लिया। ये तो हमसे गलती हो गई। क्या कोई रास्ता नहीं है इसके ग्रुप को वापस ढूंढने का? ये समुद्र तो बहुत बड़ा है, हम कैसे ढूंढेंगे? तुम्हारे पास कोई गैजेट है क्या? मैं इसके बारे में सोते वक्त सोचूंगा। कितनी देर लगेगी? थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। जल्दी जल्दी काम करो, अभी बहुत सारा पानी निकालना है। कर तो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर आए क्यों। हम इस ट्रिप पर ये करने तो नहीं आए। मम्मा, क्या हुआ सुनियो? वो देखिए डॉल्फिन उड़ रही है। अरे क्या सच में ये डॉल्फिन उड़ सकती है? मम्मा उड़ सकती है, मैं अभी पहली बार देख रही हूँ। बड़ी अजीब बात है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ। मम्मा वो देखिए डॉल्फिन उड़कर कहीं पर जा रही है, देखिए। डॉल्फिन नहीं उड़ सकती, अब जल्दी से काम करो। डॉल्फिन यार, बताओ क्या जरूरी है? मैंने स्टिकी बोट निकालकर इसमें स्टिकी प्लेन लगा दिया, इससे ये डॉल्फिन प्लेन बन गई है। मजेदार है ना? यहाँ ऊपर से उन्हें ढूंढना आसान होगा ना। जी हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक चल रही है। सुनियो कहाँ पर है? सुनियो बहुत थक गया था इसलिए वो सो रहा है। टाइम वेस्ट कर रहा है वो। डोरेमोन, उन लोगों के बारे में इसी से पूछ ले। ट्रांसलेशन टूल, मेरी बात सुनो। क्या तुमने आसपास डॉल्फिन्स के कोई ग्रुप को देखा है? डॉल्फिन का ग्रुप? हाँ देखा है, बस तुम्हें यहाँ से सीधे जाकर दाहिने मुड़ना है। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया, चलो चलो। अरे ये क्या, डॉल्फिन हवा में उड़ रही है? ये तो मैंने पहली बार देखा है, भागो यहाँ से। हम 10 किलोमीटर दूर आ गए हैं। उधर देखो। डोरेमोन हम पानी के अंदर जा रहे हैं। मुझे पता है कुछ करना होगा। जल्दी करो। डोरेमोन तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया डॉल्फिन, फिर मिलेंगे। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।
सुनियो की अजीब कहानी भी तो सुननी है। ऐसे तो मत बोलो नोबिता। कोई बात नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ, आखिर वो कहना क्या चाहेगा। अरे जरा ये चोट को देखो दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, मेरी स्किन बदल गई। वैसे तुम्हारी ट्रिप एक हफ्ते की थी और तुम्हारे पास कोई फोटो भी नहीं है, ऐसा क्यों सुनियो? वो इसलिए क्योंकि मैं पानी फेंकने में बहुत बिजी था, मेरा मतलब खेलने में। क्या सच में सुनियो? वैसे तुम सब ने कभी उड़ती हुई डॉल्फिन को नहीं देखा होगा, है ना? नहीं, लेकिन हम उसमें बैठे हैं, क्यों, है ना? हाँ, मेरी बात का यकीन करो दोस्तों, मैंने वाकई एक उड़ती हुई डॉल्फिन को देखा था। हमें तुम पर यकीन है ना? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो दोस्तों। Wash your mittens, then you're good kittens, but I smell a rat.